प्लास्टर पेरिस से मुक्त गोमय गणेश का करें पूजन, गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने प्रशासन का अनुकरणीय पहल। सतना जिले की गौशाला में गणेश प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। ऐसे में आमजन के जहन में महज एक ही बात दौड़ रही है कि ऐसे ही सहयोग से गौशालाएँ स्वावलंबन की दिशा की तरफ बढ़ जाएंगी। प्रशासन का एक अनुकरणीय पहल का उदाहरण जनपद पंचायत उचेरा की ग्राम पंचायत बांदी मोहर की गौशाला है। यहाँ मुंबई गणेश का निर्माण व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है और यहाँ की गणेश प्रतिमाएं जिले में बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही जिले के प्रसिद्ध गौशाला ललितांबा गौ तीर्थम में भी इसका निर्माण अतिशीघ्र शुरू होने जा रहा है। दरअसल गणेशोत्सव के लिए हर वर्ष गणेश प्रतिमाएँ बहुत सी धातुओं व मिट्टी आदि से बनाए जाते हैं, लेकिन जिले में एक संत ऐसे भी हैं जो गाय के गोबर से गणेश बनवाते हैं। गोबर गणेश की विधि विधान से पूजन होती है, इसके बाद उनका विसर्जन कर खेतों में मिला दिया जाता है। इससे न केवल प्रकृति का संरक्षण होता है बल्कि गौर गणेश की शास्त्र सम्मत पूजा भी होती है। ललितांबा गौ तीर्थम रामपुरवा धाम के आचार्य जयराम जी महाराज ने बताया कि प्रतिमाओं से पहले गोबर गणेश का ही निर्माण होता था। शास्त्रों में भी गोबर गणेश का उल्लेख मिलता है। हर पूजन में गौ गोबर से गणेश ही स्थापित किए जाते हैं, तत्पश्चात कोई भी पूजन शुरू होता है। गणपति के गौर गणेश स्वरूप में रिद्धि सिद्धि के संग लक्ष्मी है, साथ ही असीम दैवी सकारात्मक ऊर्जा गोमय में विद्यमान होती है। गोमय के स्पर्श एवं गंध मात्र से अनेक प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। ये ऊर्जा अवरोधों को दूर करने में एवं प्रतिरक्षात्मक तंत्र को मजबूत कर गणतंत्र को सुदृढ़ करने में और गणेश निर्माण एवं निर्विकल्प निर्विकार परंपरा है। इस परंपरा की एक और खास विशेष बात यह है कि जो इस सदी के लिए वरदान साबित हो सकती है वह यह कि विसर्जन की क्रिया हजारों गौर गणेश निर्माण कर हम जब इनका विसर्जन सरोवरों या खेतों खलियानों में वृक्षों में करेंगे तो यह विसर्जन मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। ये रोग नाशक के रूप में सहायक होगा। समूह का नाम मछुआ सोम सहायता समूह गौपोक है। लाने का कथ है, हमें मूर्ति मिली है तो गौशाला काम के साथ गौशाला के काम मूत गोबर के ही सब मूर्ति बनाते हैं। को काम गौशाला मिले है गोबर गणेश बनाने के गोबर से आमदनी तउन है तो हमको मिलेगा। क्या क्या बना रहे हैं उसमें? गणेश जी शुभ लाभ ओम दिया एनआरएम अजीब कमीशन के तहत हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बानी मोहर में ये मूर्तियाँ निर्माण के लिए ये समूह वाले मछुआ जो समूह है ये गौशाला भी चलाती हैं, उनके साथ में अजीब कमीशन के तहत काम मिला है। तब से ये पूरा काम कर रहे हैं और ये टोटल गोबर से बना हुआ मूर्तियाँ यहाँ बनाई जा रही हैं। इनको सबसे पहले अजीब कमीशन के कर्मचारियों द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग दो तीन दिन बाद ये लोग अपने खुद से बनाने लगे, उसके लिए कुछ मशीनें आई हैं और ये उसी तरह पूरा समूह मिलकर काम करते हैं। समूह को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल।